मॉर्निंग एवरीबडी, और आप सब कैसे, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। और देखिए यहाँ सब स्कूल जाने के लिए तैयार हो गए हैं, आज सारे ही स्कूल जा रहे हैं क्योंकि अविष्का की है पीटीएम, और पीटीएम जो है वो एग्जाम के बाद होती है, तो यहाँ लगे हैं फटाफट तैयारी में। और हमारे मतलब टाइम जो है वो 9 o'clock का दिया हुआ है, तो हमें 9 o'clock पहुँचना है, तो चलिए पहुँच जाते हैं फटाफट, उसके बाद हम दिखाएंगे क्योंकि जो है लेट हो जाएगी ना, एक टाइमिंग फिक्स दी होती है, उसी टाइमिंग में पहुँचना होता है हमें। आ रहे हैं अविष्का की पीटीएम में, और क्योंकि एग्जाम दे दिया है अविष्का ने, और अविष्का के जो रिजल्ट है वो आउट होंगे पीटीएम में, और साथ ही साथ जो है जो एप्रिसिएशन होता है, और जिनको डांट खानी है वो पीटीएम में ही खाते हैं, पर मुझे पता है मुझे हमेशा एप्रिसिएशन मिलती है, तो मुझे इतनी टेंशन नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी इनको इतना टाइट रखती हूँ कि मुझे टीचर कभी कंप्लेन नहीं करती। तो पहुंचते हैं स्कूल, और आपको बताऊं पीटीएम के दिन मतलब कुछ पेरेंट्स जो है उन लोग का दिल दुख दुख करता है जिनका रिजल्ट अचानक से निकलता है और बच्चों की शिकायतें सुनने को मिलती है जिनको ना, तो उनको बहुत ही गुस्सा आती है। और फिलहाल मुझे अभी तक सिर्फ एक ही कंप्लेंट मिलती है कि अविष्का जो है वो लेट से खाना खाती है, क्योंकि अविष्का मेरी बहुत च्यू करके खाना खाती है। मैंने बचपन में सिखाया था इनको च्यू करके खाना खाना, जो अभी तक इनका है, और हद से ज्यादा च्यू है, इसलिए आधा घंटे में ये खाना नहीं खा पाते। Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kind of nervous. Together we'll be strong. आगे हैं अविष्का के स्कूल के पास, और आप सोच रहे हैं इतनी खुश क्यों हो रही है, तारीफ सुनने को मिलता है तो बच्चे की खुशी होती है। तो बस चलते हैं अविष्का की तारीफ सुनने आते हैं, ज़्यादा बड़ी बातें नहीं कह रही हूँ, पर हमेशा यही मिलता है मुझे अविष्का के लिए, हमेशा तारीफ मिलती है, कभी बुराई नहीं मिलती है। अविष्का के स्कूल में पीटीएम के लिए, अविष्का का रूम इतना भूल भुलैया है, मतलब अविष्का का स्कूल जो इतना भूल भुलैया है कि अविष्का खुद ही भूल जा रही है कि कौन सी टीचर किस क्लास में है, और देखिए ढूंढ रही और फाइनली हमें अविष्का की क्लास भी मिल गई, और टीचर से हमने मीटिंग भी कर ली, और बस मीटिंग तो बहुत अच्छी थी। और हम आ गए अविष्का की कैंटीन में, यहाँ पर कुछ छोटी छोटी भूख लग गई है, हम लोग बहुत हल्का खाना खा कर गए आए थे यहाँ पर, और पीटीएम में काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि मैं सारी टीचर से मिली यहाँ पर, और सारी टीचर ने अविष्का का बहुत अप्रिसिएशन किया, और हमने यहाँ बहुत सारी पिक्स ली क्योंकि अविष्का के स्कूल में अच्छी अच्छी लोकेशन से जहाँ पर पेड़ पौधे बहुत अच्छे लगे, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर, तो इसलिए मैंने यहाँ पर पेड़ पौधे के साथ अपनी पिक्स ले लिए। और ये अविष्का का जो है हॉल टाइप का है जहाँ पर कभी कभी छोटे बच्चों के फंक्शंस होते हैं, और तो इसी यहाँ पर अविष्का भी पहले परफॉर्म करती थी छोटे पर। और अविष्का की पीटीएम करने के बाद हमें लग गई है भूख, तो हम खा रहे हैं यहाँ समोसे, और सभी लोग खा रहे हैं क्योंकि पीटीएम जो है बहुत ज़्यादा जो है लंबी चल जाती है कभी कभी। अविष्का की हो गई है पीटीएम, और देखिए यहाँ पर अविष्का के मतलब स्कूल में थोड़ी हरियाली होती है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, यहाँ बैठ जाइए बिल्कुल हरा हरा, और बिल्कुल अच्छे से माहौल अच्छी साफ सुथरी, और यहाँ भी एरोप्लेन की आवाज़ आ रही है क्योंकि ये सब पालम के नज़दीक है ना, इसलिए एरोप्लेन की आवाज़ आती है। और ऑल ओवर देख लीजिए सारा स्कूल अविष्का का, ये बाहर का पोर्शन है हाँ, और ये गेट नंबर 2 है, और बस हम चल रहे हैं, अब चलते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, और घर चले, थोड़ी सी पेट पूजा हो गई पर बहुत सारी पेट पूजा अभी करनी है हम लोग को। अब आप दिखाती हूँ आपको एक नई चीज़,
अभी जितनी भी गाड़ियाँ देख रहे हैं ना, सारी पीटीएम के लिए गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, क्योंकि सब जो है पीटीएम के लिए कर आए हैं। और पार्किंग जो है इन रोड के किनारे किनारे कर रखी है, और काफ़ी ज़्यादा क्राउड है यहाँ पर। और मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ से लेकर के वहाँ तक पूरी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। गाड़ी हैं, स्कूटीज हैं, बाइक हैं। तो आज पीटीएम है, और अभी ये जो पीटीएम है ना 6 to 10 तक की है, तो सोचिए कितनी भीड़ है यहाँ पर। इसे पीटीएम और हम निकल लिए हैं और घर की तरफ। और आपको बता दूं, इस समय देखिए टाइम क्या हो रहा है ना, बज गए हैं पूरे 11, 9 से लेकर 11, मतलब 2 घंटे जो है, मतलब जब भी आप बाहर आते हो तो 2 घंटे तो लगते ही लगते हैं। और बस अभी के पापा गाड़ी भगा रहे हैं, क्योंकि रेड लाइट को क्रॉस करने से बचाना है। 2 सेकंड बचे थे तो उन्होंने भगा ली गाड़ी। तो हम, मतलब मुझे सेटिस्फेक्शन मिला। हिंदी में थोड़ा सा अविष्का का स्पेलिंग मिस्टेक मुझे दिखा था, जो अविष्का को इस बार करेक्ट करना है। बाकी सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे थे, और संस्कृत सबसे टॉप पर था, जो कि जिसमें हमको सबसे ज़्यादा डर था वो सबसे टॉप पर था। तो चलिए चलते हैं घर, और घर की, क्योंकि घर में बहुत सारा काम है भाई। यही पीटीएम, ये जो मतलब कहते हैं ना, जितना सुख आप बाहर का ले लीजिए ना, फिर उतना ज़्यादा घर में आपको काम भी करना पड़ता है। क्या अविष्का, आपको क्या काम करना है? आपको तो बस सभी नहा धो चुके हैं, सभी का काम हो चुका है। काम तो मुझे करना है, आप लोगों को थोड़ी करना है। ये देखिए गाइस गिफ्ट, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। चलिए देख, आज मुझे बिंदु द्विवेदी लाइफस्टाइल व्लॉग की तरफ से कुछ गिफ्ट मिला है। वो क्या गिफ्ट है अभी देखते हैं। मैं बिंदु द्विवेदी लाइफस्टाइल व्लॉग को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। ये देखिए गाइस, चांदी की कटोरी और चम्मच, मैं तो बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच दीदी। आप भी देखते रहे, कौन जाने आपको भी मिले। थैंक यू गाइस, आप भी सपोर्ट करिए बिंदु द्विवेदी लाइफस्टाइल व्लॉग को, और पाते रहिए सही अनोखा गिफ्ट। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, जो मैंने आपको वीडियोस दिखाई हैं, ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, जो है जिन्होंने मेरा एक जो वीडियो था जिसमें इन्होंने मुझे मेरी बर्थडे डेट गेस करनी थी, तो उस बर्थडे डेट को उन्होंने गेस किया था। तो मैंने इनको अपने बर्थडे के दिन एक गिफ्ट भेजा था, तो वही ये गिफ्ट है जो मैंने इनको दिया है। सिल्वर प्लेटेड बोल दिया हुआ है, और स्पून के साथ में ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था इनके लिए। और प्रशांत जी, बहुत बहुत थैंक यू, आपने वीडियो बनाया और आपने अपनी दीदी को थैंक यू कहा। और प्रशांत जी की आवाज़ थोड़ी स्लो है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको सुनाई पड़ेगी। तो प्रशांत जी, नेक्स्ट टाइम जब आप वीडियो विन करेंगे तो मैं आपको बादाम, काजू, पिस्ता, ये सारी चीज़ें गिफ्ट करूँगी, ताकि आपकी आवाज़ बुलंद हो जाए, ताकि जिस तरह से मैं भी व्लॉगिंग करती हूँ ना तेज तेज आवाज़ में, वैसे ही आप भी करने लगे। और मैं बिना माइक के बोलती हूँ, तो बिना माइक की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी आवाज़ जो है वो थोड़ी बुलंद होनी चाहिए। वो इसलिए है मेरी, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ। तो प्रशांत जी, बहुत बहुत थैंक यू भैया, मैं इनको भैया ही कहूँगी, क्योंकि मुझे बहुत दिनों से दीदी कह रहे हैं, तो अब तो मुझे मेरे मतलब भाई ही है ये, और अब मैंने देख लिया है तो ये छोटे से, मतलब मेरे से, मुझे लगा कि रियल में ये मतलब बहुत ज़्यादा एज के नहीं है, तो मैं इनको भाई कह सकती हूँ। तो थैंक यू भाई, प्रशांत भाई बहुत बहुत थैंक यू कि आपने वीडियो बनाकर भेजा, आपने दीदी की रिक्वेस्ट भी का मतलब आपने जीता भी, और जीतने के बाद जब मैंने भेजा तो आपने वीडियो बनाकर भेजा, तो थैंक यू प्रशांत जी। तो ऐसे ही जो सब्सक्राइबर है, इन सबसे बनती है मेरी फैमिली, और बहुत सारी मेरी यूट्यूब फैमिली में ऐड है, और बड़ा ही अच्छा लगता है। प्रशांत जी, आपके लिए मैंने ये इसलिए भेजा है ताकि आपको आपकी कभी भी जीत हो तो ये उसकी याद दिलाता रहे, क्योंकि आप रियल में जीत में ही आपने इसे लिया है, ये आपका प्राइज है एक दीदी की तरफ से। और जब भी आपको लगे कि कोई आपको बहुत अच्छी खुशी मिली है या आपने ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ गए हैं, तो इसी बोल में कुछ मीठा रख के खा लीजिएगा, ऐसा लगेगा कि आपको, कि आपकी दीदी ही आपको खिला रही है, यानी बिंदु द्विवेदी। तो बिंदु द्विवेदी लाइफ स्टाइल की तरफ से प्लीज़ जो है इस तरह से सब्सक्राइबर को मैं मतलब कभी कोई क्वेश्चन पूछा करूंगी और चेक करती रहूंगी कि कौन से सब्सक्राइबर जो है वो रियल में अपनी दीदी या अपनी भाभी के की बातों को ध्यान से सुनते हैं और उनको रिप्लाई करते हैं। तो बस ये तो मतलब कि जो है इतनी सारी चीज़ें जो है हो जाती हैं लाइफ में। और कहते हैं ना, परिवार वाले भले दूर रहें,
और आप लोग ही हमारी फैमिली बन गए हो, तो कहते हैं जिंदगी बन गए हो तुम, तो सब आप सब जो है मेरी जिंदगी का एक पार्ट बन गए हैं। तो जल्दी हूँ, पीटीएम से आ गई हूँ, अब बनाती हूँ खाना वाना बनाती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। तो चलिए लग जाती हूँ किचन में, और पहले तो एक चाय बना के पीती हूँ। रियल बताऊँ, बहुत सिर में दर्द हो रहा है। बहुत ज़्यादा बिजी मेरा, क्योंकि अविष्का के स्कूल जाना, फिर घर में आना, और घर में भी बहुत सारा काम था। तो फिलहाल जो है इतना बिजी हो गया है रूटीन, तो लगता है कि मैं जल्दी लगता है कि दुबली पतली हो जाऊँगी फिर से, बहुत सारा काम था। तो बस इसी तरह इंजॉय लाइफ को करते रहते हैं, और जितना बिजी रहते हैं उतना अच्छा रहता है, क्योंकि जो बिजी पर्सन होता है ना वो सबसे ज़्यादा सुखी रहता है और सबसे ज़्यादा खुश रहता है। तो बस बिजी रहते हुए आपको करती हूँ आज के लिए विदा, और कल फिर मिलूंगी, मतलब आपकी और हमारी दोनों ही स्माइल मेरे व्लॉग को देखने से आनी चाहिए। और आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और लाइक आप करते हैं और इतना सपोर्ट करते हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच, कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तहे दिल से शुक्रिया। तो इस वीडियो के लिए मैं एडवांस से कर देती हूँ शुक्रिया, क्योंकि आप तो लाइक करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। Bye bye and take care.